Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. डर के रहे पाकिस्तान अली बात डर के रहे जो हमारे देश के जवान साथ में जो लोग ने किया है वो बहुत गलत किया है, उनका जवाब देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान आज हमारे 40 जवान जो हमारे भाइयों को मारा गया है, 40 लोगों को मारा गया है, इसका मतलब हम जरूर लेंगे। 4000 को मार के ले गए उसके। एक और सर्जिकल स्ट्राइक देंगे। ये भाई सब राष्ट्र को ऐसा लगता है ये जो हल्ला हुआ है ना उसके मतलब अपना भी देश कुछ करे। आप ऐसे सरकार के मतलब सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हुआ है वो थोड़ा ये मतलब दुख जैसा है, लेकिन कुछ करना चाहिए। और पाकिस्तान अगर हमें अगर देश के नागरिक कुछ नहीं कर सकते ना देश के बॉर्डर वाले तो हमें बोले हम पाकिस्तान को बताएंगे। अगर पाकिस्तान में दम है ना तो पीछे से नहीं आगे से वार करे, फिर बताएंगे हम पाकिस्तान को क्या चीज है। पाकिस्तान गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब इसके लिए दुखी है। और जो 42 जवान शहीद हुए उनके सब घर वाले के साथ हमें और ऐसा कुछ जरूरत पड़े तो हम भी इनके साथ आएंगे। पाकिस्तान 40 को मारे हम उनके 4000 को मारेंगे। पाकिस्तान ने जर आपल्याला विटा मारून प्रश्न दिला असेल ना तर उत्तर आपण दगड मारून देऊया। पाकिस्तान हमारे साथ है मीरा भाईंदर की पूर्व महापौर गीता जैन जी, आइए जानते हैं उनका पुलवामा में जो ये आतंकवादी हमला हुआ उस पर उनका क्या कहना। कश्मीर के पुलवामा में हुए इस आतंकवादी हमले की हम सभी निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। शहीदों के परिवारजनों के शोक में पूरा मीरा भाईंदर और पूरा देश शामिल है, लेकिन सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसा आतंकवादी हमला दोबारा न हो, इसके लिए आपको जो भी कड़े कदम उठाने चाहिए वो जरूर से उठाए। दुश्मनों को उनके घर के अंदर घुस के मारे, एक सर्जिकल स्ट्राइक और हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आतंकवाद को जड़ से नाबूद कीजिए। जय हिंद। देना जाएगी पाकिस्तान को पूरे हिंदुस्तान की जनता, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। आप नालासोपारा विरार नए गांव भाईंदर दहीसर विदा रोड से लेकर के चर्च गेट और उपनगर के सारे स्टेशन से लेकर के सेंट्रल और सबरमती तक के सारे स्टेशनों पे देखो और हिंदुस्तान के नौजवानों की दिलों में जो धड़कने वाली जो 14 फरवरी को जो पाकिस्तान ये पाक परस्त आतंक परस्त जो पाक पड़ोसी है उसने देश के नौजवानों पे नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता के दिलों पे हमला किया हुआ है। और हिंदुस्तान के नौजवानों का, हिंदुस्तान के किसानों का, भारत की सेना का, भारत के पुलिस का, भारत के आम नागरिकों का, देश का जो दिल है वो धड़क रहा है, सिर्फ एक ही रह जाता है। कब तक शहीद होता रहेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री को जो एक के बदले 15 सिर लाने की बात कहे थे क्या आज वादा भूल गए? इसी बात को लेकर के आज हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान की जनता जवाब चाहती है। इसी बात को लेकर के आज सड़कों पे जनता का आक्रोश टूटा हुआ है। आप कह रहे हैं मेरा तो ये बोलना है कि देश के नागरिक लोग खून बांटते जाए देश की सड़कों के ऊपर उतरो, कब तक उनका हमारा खून बह उनका भी खून बहना चाहिए। पाकिस्तान को ही अच्छा सकता हूं। खून का श्रीलंका एक ऐसा देश था जो लिट्टे को खत्म कर दिया। भारत सरकार क्या इतना काम नहीं कर सकती? अगर अब रण नहीं तो सरकार नहीं, रण करो सरकार बनाओ। भारत की जनता क्या मांग करेगी? म्यांमार में जो जनता की मांग।